कोरोना महामारी, बारिश और बाढ़ के बीच इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए कराई गई परीक्षा में 2,00,000 छात्र हिस्सा लेने से चूक गए। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच हुई परीक्षा के लिए 8,35,000 छात्रों ने पंजीकरण करवाया था, लेकिन परीक्षा केंद्रों तक सिर्फ 6,35,000 छात्र ही पहुंचे। देश के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिला पाने के लिए ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी JEE का एग्जाम करवाया जाता है। साल 2019 से ये परीक्षा 2 बार करवाई जा रही है। इस साल जनवरी में हुई JEE की परीक्षा में 94.32% छात्रों ने हिस्सा लिया था, लेकिन महामारी, बाढ़ और भारी विरोध के बीच 1 सितंबर से 6 सितंबर के बीच हुई परीक्षा में सिर्फ 74% छात्र पहुंचे। पहले दिन यानी 1 सितंबर को तो सिर्फ 51% छात्र ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे थे, लेकिन बाद के दिनों में इस संख्या में बढ़ोतरी हुई। हालांकि अंतिम आंकड़े निराशाजनक रहे और 2,00,000 छात्र इस परीक्षा में हिस्सा लेने से छूट गए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के आंकड़े बताते हैं कि JEE मेन की परीक्षा में 2019 की जनवरी में 94.11%, अप्रैल 2019 में 94.15% और जनवरी 2020 में 94.31% छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचे थे, लेकिन इस साल सितंबर में हुई परीक्षा में भागीदारी का ये प्रतिशत गिरकर 74% पर पहुंच गया। कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के खौफ और प्राकृतिक आपदा की मजबूरी के चलते 2,00,000 छात्र परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंच सके। इस साल कोरोना महामारी के चलते JEE मेन की परीक्षा की तारीख 2 बार टाली गई थी, लेकिन शिक्षा मंत्रालय ने इसे 1 सितंबर से कराने का ऐलान कर दिया था। इसके बाद हजारों की संख्या में छात्रों ने परीक्षा टालने के लिए सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक आंदोलन किया था। कम से कम 7 राज्यों के मुख्यमंत्री इस परीक्षा को कराए जाने के खिलाफ थे और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, मगर सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा टालने की याचिका खारिज करते हुए केंद्र सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि छात्रों के भविष्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता। आंकड़े जारी होने के बाद शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मुमकिन है कि जनवरी में कराई गई परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के चलते छात्रों को दोबारा परीक्षा में हिस्सा लेने की जरूरत महसूस न हुई हो। परीक्षा में और देरी मेहनती छात्रों के लिए बेहतर नहीं होता जो कॉलेजों में दाखिले के लिए तैयारियों में जुटे हुए हैं। हालांकि शिक्षा मंत्री का ये बयान महज एक कयास है, सच उन 2,00,000 छात्रों से ही पता चल सकता है जो परीक्षा केंद्रों तक नहीं पहुंचे। ब्यूरो रिपोर्ट, गोलियां।